जी बिल्कुल, टी टेंक का हंगामा जो है अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और दक्कन ग्लेडिएटर के स्टार ऑलराउंडर इमाद नसीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं। इमाद भाई, टफ लग रहा है, थोड़ा सा टारगेट जो है वो बड़ा था, लेकिन अगर निकोलस पोरान ग्रीस पे मौजूद रहते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता। आई थिंक ज़्यादा रन हो गए थे, आई थिंक 20-25 ज़्यादा। हैविंग सेड दैट, जो जॉर्डन कॉक्स ने इनिंग्स खेली, इट वाज अनबिलीवेबल। अच्छा ये बताया, दुनिया भर की क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया भर की लीग्स में खेलते हैं, तो कितना मुश्किल होता है जब दुनिया के हार्ड हिटर बैटर सामने होते हैं, तो फिर जब T20 से वापस आते हैं तो बॉलिंग करने में कितना मुश्किल होता है, किस तरह आपने आपको एडजस्ट करते हैं आप? लुक, T10 डिफरेंट फॉर्मेट है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर सकते अगर आपको रन वगैरह हो जाए, बिकॉज आपको रन होंगे। टू बी फेयर, T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, T20 थोड़ा लॉन्गर वर्जन है, उसमें टेक्टिकल थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो या T10 यही है कि आप इससे सीखते हैं, हर चीज़ से हर वक्त सीखते हैं, नो मैटर आपकी क्या एज है, और आप फाइंड करते हैं कोई वे बचने का, कोशिश करेंगे अगले मैचों में यही करें। 55 ODI, 66 T20, 109 इंटरनेशनल विकेट, जितनी क्रिकेट खेली आपने पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टी से खेली। अब दुनिया भर के फैंस, पाकिस्तानी फैंस जानना चाहते हैं कि 34 साल की उम्र में आपने जो है रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट को, है और बात कह दिया, ये इमाद नसीम का अपना फैसला था या ये फैसला आपने किसी प्रेशर में आके दिया? देखें, मेरा अपना ही फैसला था, और थोड़ा सा मेंटली मैं समझता हूँ मैं उस जगह पे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था जिस जगह पे होना चाहिए, और अगर मैं उस जगह पे होता मेंटली तो ऑब्वियसली बात है मैं कभी भी ऐसा ना करता। सो सोच समझ के लिए, और मेंटली आई थिंक ये मेंटली है मोर देन कोई और चीज़। हो सकता है कि इमाद नसीम आने वाले दिनों में यू टर्न ले लें और ये फैसला वापस ले लें, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि फैंस जो है वो चाहते हैं कि इमाद नसीम पाकिस्तान के लिए सर्व करें। ये लाइफ है, इसमें कुछ भी पॉसिबल है और इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन मैंने फैसला यू टर्न के लिए नहीं लिया था, ना लिया। सो यू नेवर नो लाइफ आगे क्या कुछ करे, क्या क्या चीज़ें हों। सो मैंने ओबीसी बात है रिटायरमेंट ली है, इट्स अ बिग कॉल, और I don't know what life brings, but it is what it is. I just retired and I'm enjoying it. अच्छा, जब से नई मैनेजमेंट आई है, आपने देखा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एक बाबर आजम का जो है वो मैसेज लीक हो गया, फिर चीफ सेलेक्टर की जो हारस है उससे कोई डिबेट हुई, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता दी, फिर हाल ही में कल दो तीन दिन पहले हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इमाद नसीम से मेरी ये बात हुई, तो अब वो बातें भी सारी बता दी। तो आप इस तरह की जो पर्सनल चैट प्लेयर की और मैनेजमेंट के दरमियान होती है, ये अब पर्सनल ही रहनी चाहिए, इसे इस तरह आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लोज करना, आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा प्लेयर जो है वो इंस्केयर फील करेंगे? मैंने तो मैं शो पे भी बैठा था, इस सवाल का जवाब दिया था कि ये PCB का और प्लेयर का मैटर है, हमारा इस बीच में आना इसमें कोई अमल दखल नहीं। हाँ, अगर मेरी चैट लीक होती या मेरे से आप पूछते तो मैं उसका जवाब बेहतर देता, और मैनेजमेंट चेंज हुई है नो डाउट, आई विश देम गुड लक। पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को सर्व कर सके, और मैनेजमेंट से यही कहूँगा कि एक चीज़ लाजमी रखें कि प्लेयर और जितने भी प्लेयर्स हैं और अपने दरमियान प्लेयर्स, कोचेस, चीफ सेलेक्टर्स और PCB सारे एक पेज में रहे, और क्लैरिटी होनी चाहिए आगे वाले लड़कों के लिए। और आखिरी सवाल, आपने क्रिकेट को तो हराबाद कर दिया इंटरनेशनल, और आपने साथ साथ कराची किंग्स को भी हराबाद कर दिया, ये भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी सारे फैंस के लिए, तो इसके पीछे तो आप बता दें कि ये क्या स्टोरी है, क्योंकि बड़ी बॉन्डिंग थी आपकी सलमान इकबाल के साथ, कराची किंग्स के साथ आपका बड़ा लंबे अरसे तक आपका कैरियर जो है वो कराची किंग के साथ मशहूर रहा, तो ये रिटायरमेंट और कराची किंग को साथ में एक साथ एक मैच इतफाक था या नहीं? इतफाक ही था, और देखें कभी कभी अल्लाह जो आपके लिए करता है वो बेहतर करता है, और कराची ने मुझे बहुत प्यार दिया है, 8 साल मैं कराची से खेल रहा हूँ। ईजी नहीं होता कोई भी फ्रेंचाइज को छोड़ना, क्योंकि अगर सलमान भाई उसको ओन करते हैं, हम भी ओन करते हैं, हमने भी 8 साल दिए हैं अपनी लाइफ के, और आई विश देम गुड लक, और एवरीथिंग न्यू बिगिनिंग है, फिर वापस आ सकते हैं या वहीं रह सकते हैं, ये फ्रेंचाइज पे चलता है, क्योंकि फ्रेंचाइज में आपस में उनकी ट्रेड होती है और उनका फैसला ज़्यादा होता है, और फिर हमसे अगर पूछा जाता है तो हम हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंचाइज का सारों का यही डिसीजन था कि ट्रेड हो जाए, तो ट्रेड हो गई। बहुत शुक्रिया अरमान भाई बताने का।